हेलो वेलकम, मेरा नाम है कमलवीर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एडवर्टाइजमेंट निकली है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, तो ये वेबसाइट का लिंक है, ये वेबसाइट आपको सामने दिखाई दे रही होगी। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप क्लिक करके वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि लास्ट डेट कब कब तक है फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये है 16 जनवरी 2020। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जो आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 16 सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो ये कौन कौन से है? ये बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म फिल कीजिए। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे समझ लो कि जो पहला ये जो ये पहली लिस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। मान लो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के लिए टोटल वैकेंसी है 9। ओके, और उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 6, एक है एसटी के लिए और 2 है ओबीसी के लिए। तो इस तरीके से आपने देखना है कि आपका सब्जेक्ट है, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट यहाँ पे फीस के बारे में है। तो फीस है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस होगी वो 500 होगी। और दूसरी चीज है नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज। आप कह सकते हैं कोई एप्लीकेशन फी नहीं ली जाएगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए, और साथ ही साथ वीमेन एप्लीकेंट्स के लिए भी कोई फीस नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है जो यहाँ पे हमें समझना है वो ये है कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है। ओके, क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो पहली चीज़ है कि मास्टर डिग्रीज में आपके नंबर होने चाहिए 55% कम से कम। ओके, और इसके साथ प्लस आपको क्या चाहिए, प्लस आपको चाहिए नेट एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो। ओके, चाहे CSIR हो चाहे UGC हो। ओके, 55% मास्टर डिग्रीज प्लस आप कह सकते हैं कि नेट या फिर JRF। ओके, UGC या CSIR से। दूसरा क्या है इसकी, या फिर ये आपके पास हो, या फिर दूसरा आप कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये है कि आपका PhD डिग्री आपने ऑब्टेन की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो दूसरा आप कह सकते हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो ये चीज तो होनी चाहिए कम से कम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक चीज तो है ही कि यहाँ पे कोई आप कह सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट या फिर कोई टेस्ट जैसी चीज नहीं है, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड आपकी सिलेक्शन होगी। तो इंटरव्यू के लिए किने किने शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये समझ लेते हैं। ओके, तो इंटरव्यू के लिए टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। ओके, 100 हैं। तो शॉर्टलिस्ट किने किया जाएगा वो देख लेते हैं। ओके, क्या क्राइटेरिया है? तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 100 में से कम आपके 60 नंबर बनते हो। अभी 60 मार्क्स किस तरीके से बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% से अबव मार्क्स हैं, स्कोर है, तो आपको 21 नंबर मिलते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि 60 से 80 के बीच है तो 19। ओके, तो ये चीज याद रखना। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में 25 है ये और 23 है, यानी कि मान के चलो कि ग्रेजुएशन में आपके 21 मिलते हैं आपको और यहाँ पे 25 मिल जाते हैं। ओके, और आपके पास नेट भी है, नेट है तो 8 नंबर, नेट के साथ JRF है तो 10 मार्क्स है ना। तो अगर आप इसे मिलाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास 56 मार्क्स ही बनते हैं, है ना। तो 60 मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपके पास PhD नहीं है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर PhD नहीं है तो आपके नेट के साथ आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जितने मर्जी नंबर हो आपके 60 नहीं बनेंगे। ओके, और PhD के लिए 25 नंबर है और नेट JRF का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसके लिए 6 मार्क्स हैं, और टीचिंग पोस्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 10 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये था नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर आप ये सारे आप कह सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।